सुनता करे हैं। आओ हमारे छत्तीसगढ़ी बोली भाषा पे आधारित एक बहुत ही सुखर से मुर्गी थे। हेलो 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 इमा के बेस पूरा काटना है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हमें वो सरकार नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी सबके मन में परम पूज्य और घासीदास जी के प्रति आदर और प्रेरणा और कर सम्मान हवे। हम सब मिलके ऊपर पूजा लगा थन तो आदरणीय भूपेश बघेल, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अभी हमारे बाबर नेता रविंद्र चौबे जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार ताली बजा के आदरणीय रविंद्र चौबे जी का स्वागत करो। मुख्यमंत्री हमारे बीच पहुंच चुके हैं और आज आप वाला गर्व के साथ बता दो, आज हमारा आदरणीय भूपेश बघेल जी के सरकार ला 3 साल पूरा हो चुके हैं, तो जोरदार ताली बजा के आदरणीय भूपेश बघेल जी की स्वागत करो। भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सभी हमारे बहनी मन से वो निवेदन है बीच को आ चुके हैं। सबसे पहली मैं आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, भाई उधो वर्मा जी, थोड़ा साइड ले थोड़ा इसमें जोरदार ताली बजा के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करो। आदरणीय साथियों,
की, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, भूपेंद्र बात करें। पहले कुछ बात रोजगार के बारे में सबको भैया लिखे, यहाँ कौशल विकास केंद्र खुलना चाहिए और यहाँ अग्निशमन केंद्र खुलना चाहिए। मतलब सबको भैया सोच ले है कि बहुमत आए तो महापौर ही पिछड़े वर्ग मन बन ही ये तय कर ले सबको भैया। और उधर हमारे जिले के प्रभारी मंत्री कृषि और जल संसाधन मंत्री आदरणीय भाई रविंद्र चौबे जी, हमारे आदरणीय साथी मंच में उपस्थित है, आप सब ताली बजा के स्वागत करें। हमारे मुख्यमंत्री 3 साल पूरा हो है, आज ये देश में मुख्यमंत्री मन के गिनती होते कौन मुख्यमंत्री कैसे काम करत है। और तुम्हारे आशीर्वाद से हमारे आदरणीय नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी हिंदुस्तान के पहला नंबर के मुख्यमंत्री, ताली बजा को कर स्वागत करो। आदरणीय साथियों, चुनाव बीरगांव नगर पालिका निगम के होते और आज मुख्यमंत्री जी तुम्हारे बीच में खड़े। नगर क्षेत्र में हमारे गांव से आए हुए बासिंदा बसे हैं, श्रमिक क्षेत्र में काम करें या मजदूर बसे हैं, छोटे छोटे व्यापारी बसे हैं, ये सबके खुशी के लिए यहाँ का काम चाहिए। नगर के विकास के लिए सबसे पहली पानी चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री तुम्हार बीरगांव पर 100 करोड़ के योजना पास करे, 100 करोड़ के। मैं सिंचाई मंत्रियों मोला निर्देश दे कि ये खारून में पानी गंदा हो जाते, जेल में सत्तू भैया कही तेल में रेली कट बना करके बीरगांव पर पानी की व्यवस्था होना चाहिए। और क्या चाहिए, शिक्षा के व्यवस्था होना चाहिए, बीरगांव के कॉलेज यहाँ पर आत्मानंद स्कूल के घोषणा कर दे, आने वाला समय में हमारे गरीब के बच्चा पढ़े, लड़का मतलब फीस देवर मत पड़े, आत्मानंद के अंग्रेजी स्कूल पूरा प्रदेश में लागू करेंगे तो हर बीरगांव भर में स्वीकृत होए। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट Clipper 28.